हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रेंशन में अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना होगा तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज पिछले 4 या 5 साल में अगर आप देखोगे कैट थोड़ा सा जीमैट के लेवल पे चल रहा है, और एक जो चीज है, एक जो टाइप का क्वेश्चन है वो अराउंड अबाउट 30 से लेकर 40% आने लगा है। अगर मैं आपको एनालिसिस बताऊं, मेरा अगर मैं रिसर्च बताऊं कैट पे, तो 2016, 17, 18, 19, 20 ये 5 साल में अगर आप देखोगे कैट में बेसिकली जीमैट टाइप के क्वेश्चन आना चालू हो चुका है। जैसे इन्फ्रेंस क्वेश्चन आते हैं, पहले इक्का दुक्का आते थे, अभी थोड़ा सा नंबर बढ़ चुका है। फिर एक्सेट वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेन आइडिया आते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टोन वगैरह आना चालू हो चुका है। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है, मेन आइडिया। अब हमारा एक परसेप्शन क्या है मेन आइडिया कि यार मेन आइडिया का एक क्वेश्चन आता है जहां पे हमें पूछा जाता है कैट में कि ओके व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये पुराना मेथडोलॉजी था जहां पे ये पूरा इस तरीके से पूछा जाता था, बट अभी ऐसा नहीं होता है। अभी मेन आइडिया इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आपके जो पुराने जो आपके पैसेजेस है वहां पे भी आप देखोगे मेन आइडिया वाज इंपॉर्टेंट, बट जो क्वेश्चंस आते हैं हमें कि सर आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वो मेन आइडिया से निकलता है। सर मैं दो ऑप्शन के बीच में ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ, वो भी मेन आइडिया से निकलता है। एंड समटाइम्स यू विल गेट क्वेश्चंस व्हिच आर थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दिया जाता है। ये देखो, द ऑथर कुड बी मोर सपोर्टिव ऑफ व्हिच वन, अगेन इट्स अ मेन आइडिया, मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, ये एक ही कंसेप्ट आती है। बट ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया जाता है एट सी टू सी। हम सेपरेट सेशन लेते हैं मेन आइडिया के ऊपर, मेरा सेपरेट वर्कशॉप होता है मेन आइडिया के ऊपर। और अगर आप 17, 18, 19, 20 देखते हो, ये 9 क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हो 9 स्लॉट के, आपको पता चलेगा कि यार मेन आइडिया जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मेन आइडिया से आपका आरसी पे होल्ड आता है, एंड जो ऑप्शंस आप मार्क करते हो वो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली मार्क करते हो। सेकेंड क्वेश्चन मेन आइडिया, थर्ड क्वेश्चन मेन आइडिया, एक आरसी में आपके 3 क्वेश्चन बन गए मेन आइडिया पे। अगर मैं चाइना के बारे में बात करूं, या फिर मैं ये जो जो हमारे पैसेज होते हैं, जैसे अगर आप, ये तो चाइना का पैसेज, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेज है, यहाँ पे भी आपको मेन आइडिया का डेफिनेटली जरूरत लगेगा। अगेन मैंने वही कहा कि मेन आइडिया के क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि विच इज वन ऑफ द इज द मेन आइडिया, नहीं, वो घुमा फिरा के देना भी चालू करे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी यू नो द क्वेश्चंस लाइक ये ग्रीक अनार्किया वगैरह हो गया, ये जो टफ पैसेजेस होते हैं वहां पे मेन आइडिया जानना will actually save your life। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपको अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्कोर बढ़ाना है तो आपको मेन आइडिया पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये देखो, फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर मेन आइडिया वैसे देखा जाए तो। वन सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट विच वन आइडिया दैट इज कॉमन फॉर ऑल द अनार्किज्म। दिस इज नॉट एग्जैक्टली मेन आइडिया, बट इट माइट कम फ्रॉम द पार्ट ऑफ इट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट आइडिया, ओके फाइन। सो अगर हम देखेंगे इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में राउंड अबाउट अगर हम बात करेंगे, on 18 questions we got 5 questions which are based on main idea, and I'm very sure aur 2-3 questions aise niklenge jo main idea pe hi chalenge। so you have to understand the crux of the reading comprehension which is nothing but the main idea। to agar main baat karu 5 question on 18 which is round about 28%, so 28% questions aapke main idea pe aate hain। at main idea janna bahut zaruri hota hai, because agar aap main idea jante ho और अगर आपका क्वेश्चन में मेन आइडिया पूछा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ वोकैबुलरी वाले की, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मेन आइडिया पे है, यार मैं तीनों, अगर मैं क्यों ना ये आरसी उठाऊं, आई विल डेफिनेटली पिक अप दिस आरसी बिकॉज आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आई हैव 3 क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन मेन आइडिया। और अगर मैं बात करूं ये वाला क्वेश्चन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, तो यहाँ पे मेरे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं ऑन 5, इट्स अ ग्रेट डील। बिकॉज अगर मेरे 4 क्वेश्चन भी सही आते हैं और अगर मेरा वर्बल एबिलिटीज अच्छा खासा आता है, मैं फिर भी 92-93% टच कर सकता हूं आराम से, राइट। सो गाइस, जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो, हमें यह जानना जरूरी है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैं पूरा का पूरा आरसी पकड़ के, जैसे हम स्कूल में करते थे या कि या फिर कोई यू नो प्लेसमेंट इंटरव्यूज वगैरह के लिए करते थे, वैसे पढ़ाई नहीं करनी है। आपको यह जानना है कि आपको आरसी को तोड़ना है, यू हैव टू कट आरसी इनटू डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या होती है, मेन आइडिया, एक्सेप्ट वाला फंडा, टोन ऑफ दी आरसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दी ऑथर, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दी ऑथर, हाँ क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो जीमैट में ज्यादा आता है, कैट अभी तक उस लेवल पे गया नहीं है, तो क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह मत करना डेफिनेटली। तो ये चीजें जानना आपको जरूरी है, दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बिकॉज हमें लगता है कि आरसी मतलब ये पूरा का पूरा, ऐसा नहीं होता यार, आरसी में भी आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो दिस इज माई बकेटिंग स्ट्रैटेजी फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऑल्सो एक चीज याद रखना गाइस, कि अगर मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने को बताता हूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें एक आरसी के 4-5 अगर क्वेश्चन दिए हैं तो 5 के 5 क्वेश्चन लगाने हैं या 5 के 5 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। नो दैट्स नॉट द केस, बिकॉज ऑफ विच लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग
एंड बिकॉज ऑफ विच बच्चों का स्कोर नहीं आता है, क्योंकि सर मैंने एक आरसी लिया, पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने टारगेट करे, ऐसा मत करना। आप बकेटिंग स्ट्रैटेजी पे खेल सकते हो, एक आरसी कर लिया, दो क्वेश्चन बन गए, दूसरे से तीन क्वेश्चन बन गए, बट 100% एक्यूरेसी पे फोकस करना है। मेरी अगली वीडियो जो आएगी वहां पे मैं 100% एक्यूरेसी के बारे में बात करूंगा, वहां पे मैं आपको पैराजिम्बल के बारे में बात करूंगा। तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो मे बी टुडे और टुमारो आई विल बी टेकिंग यूट्यूब लाइव सेशन, जहां पे मैं आपको एक लीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैट 20 का सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो इफ यू न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब। बाय द वे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई एम स्टार्टिंग विद माई न्यू वर्बल बैच। उस बैच में हम क्या कवर करेंगे, लेट मी वॉक यू थ्रू। न्यू बैच में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम छोड़ने वाले हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 आरसी के वर्कशॉप है, ये मेरे ख्याल से 20-25 तक भी जाएगा। हम हर एक छोटी मोटी चीज कवर कर रहे हैं, पैराजेबल, ऑड वन आउट, जो स्ट्रैटेजीज के बारे में मैंने बात किया था, वी आर कवरिंग ऑल द स्ट्रैटेजीज, आरसी सिलेक्शन से लेके हाउ डू यू आंसर मेन आइडिया। इवन इफ आई जस्ट शो यू माई डैशबोर्ड, अगर आप डैशबोर्ड देखोगे, डैशबोर्ड में हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर करी है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। पैराजेबल वगैरह के बारे में भी हमने बहुत सारी वीडियोज करी, पैराजेबल पे और भी वीडियोज आना बाकी है। आरसी एडवांस लेवल पे भी हमने ऑलरेडी चालू कराया। अगर आप देखोगे मेन आइडिया के मेरे ऑलरेडी दो सेशन हो चुके हैं, वी हैव स्पेंट राउंड अबाउट 3 to 3.5 hours ऑन मेन आइडिया। मेन आइडिया बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हमारी वर्बल की एक जो छोटी सी बैच अभी लॉन्च हो रही है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ये तो हमारा मास्टर प्रोग्राम का मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन अ वेरी मच डिटेल्ड मैनर। सो जहां तक स्ट्रैटेजी का सवाल है, जहां तक ये क्वेश्चन का सवाल है कि सर जो दो ऑप्शंस जो क्लोज बाय होते हैं उसको चूज कैसे करना है, एलओडी कैसे वॉच करना है, सो वी आर ट्रेनिंग यू फॉर वीआरसी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो, बट इवन इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग अस और यू फ्रॉम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी डिटेल्ड में अगर आपको वीआरसी नहीं पढ़ाया जाता है, तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन सीटीसी मेंटर्स। बट जब भी आप करोगे, एक मेरा जो गाइडेंस है वो याद रखना, एक जो एडवाइस है वो याद रखना, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जो हम पुरानी ऑर्थोडॉक्स मेथड होती थी ना पढ़ाई वाली, कि एक आरसी ले लिया बैठ गए करने को, ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है मैं क्वांट्स में कहता हूं कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी यार 4 sub topic होते हैं। ऐसे नहीं होगा कि आप हर एक टॉपिक पे अपना होल्ड बनाओगे, राइट? बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को चीटिंग ट्रेडर समझता नहीं है, तो मैं उसको छोड़ दिया, बाकी मैं कर लेता हूँ, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह के क्वेश्चन में कर लेता हूँ। तो आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा टू स्कोर इन वीआरसी। एंड ट्रस्ट मी, वीआरसी इस बार भी गेम चेंजर रहेगा। ये लास्ट ईयर भी गेम चेंजर था, मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट करा था कि लास्ट ईयर 2020 में गेम चेंजर होगा वीआरसी। वीआरसी में ही सब बच्चों का प्रॉब्लम हो गया, और जो बच्चा वीआरसी अच्छा कर लिया वो 99+ पहुंच गया। दूसरी बार इस बार भी वीआरसी गेम चेंजर होगा, बिकॉज यहाँ पे भी आज इस बार भी 40 मिनट का पेपर होने वाला है। सो गाइज, आपको वीआरसी को बड़ा स्ट्रेटेजिकली और टैक्टफुली अप्रोच करना पड़ेगा। ये टफ है नहीं। अगर आप इसको लिमिट में रखोगे और अगर स्ट्रैटेजी लगाओगे, तो इसमें 99 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली लेके आ सकते हो। राउंड अबाउट 99 अगर आपको लाना है, 99 के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर रिक्वायर्ड इज राउंड अबाउट 16-17 क्वेश्चंस। 16-17 क्वेश्चंस यू कैन रफली यू कैन इमेजिन। अगर मैं बात करूं 95 के लिए, 95 के लिए राउंड अबाउट 12 क्वेश्चन है, एंड 99 के लिए राउंड अबाउट 16-17 क्वेश्चन है। आप उसको आराम से कर सकते हो। अगर मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाऊं, 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के और ऊपर के 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 18, 18 में से भी अगर आप 8 क्वेश्चन करते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, फिर भी आपके 16 क्वेश्चन बनेंगे, यू विल बी 99% एलिया क्लब। बट उसके लिए स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए पढ़ाई का मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, दैट्स इट फॉर माय साइड। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ यू वांट टू जॉइन सीटीसी मेंटर्स वर्बल बैच, मोस्ट वेलकम, एंड कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर कैट पेपर। We have round about 9500 days left for it. Guys, thank you so much for watching my video. Take care. Bye-bye.